दुनिया की सबसे महंगी जमीन की कहानी, मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड ऑफ द वर्ल्ड, द स्टोरी अबाउट भगवान बुद्ध और उनका एक खास शिष्य सुदत्त यानी अनाथ पिंडक। जैतवन आराम यानी जैतवनाराम, जैतवन विहार, जहाँ सारे के सारे भिक्खु रमते थे और भिक्खुओं को जो रमते थे उस समय उनको राम बोला करते थे, इसलिए जो आज का विहार और उस समय का जो पूरा का पूरा राजगीर या नालंदा या सावित्री या जो भी जगह थी, वहाँ के लोग अपने नाम के आगे पीछे राम लगाते हैं, जो रमते हैं धम्म साधना में, धम्म में, विपसना में, भगवान बुद्ध के धम्म में रमने वाले राम। जहां रमते हैं उस जगह को आराम बोलते हैं, यानी बगीचा हो गया, आज के समय तो विहार बोलते हैं, बुद्ध विहार भी बोलते हैं, मगर उस समय आराम बोला करते थे। ऐसा ही एक आराम है सावित्री के अंदर, श्रावस्ती के अंदर, जैतवन आराम यानी जैतवना राम। इसकी कहानी बहुत मजेदार है क्योंकि ये दुनिया का सबसे महंगा आराम है, सबसे महंगा बगीचा है, सबसे महंगा विहार है आज तक की हिस्ट्री में, आज तक के इतिहास में। सावित्री में भगवान बुद्ध ने 25 वर्षावास किए हैं, यानी 25 वर्षाओं में, 25 रेन सीजन में वो वहां रुके हैं। 19 उसमें से उन्होंने जैतवन आराम यानी जैतवन आराम में बिताए हैं और 6 उन्होंने उब्बाराम में बिताए हैं, दोनों ही सावित्री के अंदर हैं। सुदत्त नाम का एक सेठी होता है, सावित्री का सेठी। सावित्री का सेठी जब भगवान बुद्ध की धम्म वचन सुनता है, प्राकृतिक वचन सुनता है, तो वो समझ जाता है कि ये जीवन कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए और सभी दुनिया के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ऐसा बता रहे हैं। वो भगवान बुद्ध से निवेदन करता है कि वो सावित्री आए और सावित्री में आके लोगों का कल्याण करें। भगवान बुद्ध स्वीकृति देते हैं तो जो अनाथ पिंडक है, अनाथ पिंडक नाम बाद में पड़ा है, अनाथ पिंडक का मतलब है, पिंडक माने होता है खाना और अनाथ माने जो बच्चे जिनके माँ बाप मर जाते हैं या नहीं होते या खो जाते हैं, ऐसे बच्चों को अनाथ बोलते हैं। यानी ऐसे बच्चों को जिनका कोई भी अभिभावक नहीं है, कोई पेरेंट नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, कोई चाचा ताऊ नहीं है, उनको पिंड देने वाला, उनको खाना देने वाला अनाथ पिंडक नाम पड़ा, क्योंकि वो दान बहुत करता था। उसका असली नाम था सुदत्त। तो सुदत्त जो बाद में अनाथ पिंडक के नाम से फेमस हुआ और पूरे साहित्य में सब अनाथ पिंडक के नाम से ही जानते हैं, उसने जगह का चुनाव करने के लिए चारों तरफ भागदौड़ करनी शुरू की, क्योंकि जगह ऐसी होनी चाहिए जहां सावित्री के सभी लोग आराम से आ सकें और ऐसी होनी चाहिए जो भगवान बुद्ध और उनके सावक संघ यानी शिष्य जो संघ है उनका, उनको परेशानी ना हो, एकांतवास रहे, उनका विवेक रहे, जहां वो आराम से रहें, और शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, भिक्खु संघ को चारिका करने में, पिंड के लिए शहर में आने में दिक्कत होगी, देर लगेगी, और जगह ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा रमणीय हो। रमणीय का मतलब है कि जहाँ सावक संघ और भिक्खु राम सकें, रम सकें, जो धम्म साधना में रम रहें आराम से। बहुत खोजबीन करने के बाद में एक बगीचा, एक पूरा पूरा बाग सुदत्त को, अनाथ पिंडक को दिखाई दिया। उसने वो जगह का अवलोकन किया, उसने कहा ये सबसे उपयुक्त रहेगी, सारे मापदंडों पर, स्टैंडर्ड्स पर ये खरी उतरती है। उसने उसके जो मालिक थे उसका पता लगाया और वो सीधा मालिक के पास गया। मालिक से बोला कि मुझे आपका वो जो आराम है, बगीचा है, पसंद आया है, वो मुझे चाहिए। जो आराम था उसके मालिक का नाम था जैत कुमार। जैत कुमार ने अपना आराम बेचने के लिए, बगीचा बेचने के लिए साफ साफ मना कर दिया, मगर अनाथ पिंडक उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था। उसने कहा कि मुझे ये लेना है, आप कीमत बताइए। जब कभी कोई चीज़ किसी दुकानदार को या किसी व्यक्ति को नहीं बेचनी होती है
तो वो उसकी कीमत ऐसी बता देता है कि सामने वाला सोच भी ना सके और चला जाए। ऐसा ही सोचकर जैत कुमार ने कहा, ठीक है, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो सारी जमीन को सोने से ढक दो। जो सोने की गिन्नियां हैं, सोने के काशापण हैं, जो सोने के सिक्के हैं, उनसे ढक दो, जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अनाथ पिंडक खुशी से उछल पड़ता है। उसने कहा मंजूर है, और गाड़ी वालों को कहता है कि जाओ खजाने से सोने की गिन्नियां गाड़ी में भर भर कर लेके आओ। जैत कुमार सपने में भी नहीं सोचता कि कोई आदमी किसी जमीन को खरीदने के लिए सोने के सिक्के से भी ढक सकता है। गाड़ी आने लगती हैं और जो उसके कारिंदे हैं, जो उसके नौकर चाकर हैं, वो जमीन पर सोने के सिक्के बिछाने लगते हैं। सिक्के कम पड़ जाते हैं, छोटा सा एक कोना रह जाता है। सुदत्त अनाथ पिंडक कहता है कि जाओ जल्दी से गाड़ी भरकर लाओ, ये कोना भी ढकना है। जैत कुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सोचता है कि आखिर कोई व्यक्ति इतनी महंगी जमीन क्यों खरीदेगा, क्या कारण है। वो पूछता है, क्या कारण है जो आप सोने के सिक्के ढककर भी जमीन खरीदने के लिए तैयार हो गए। सुदत्त अनाथ पिंडक कहता है कि भगवान बुद्ध, शास्त्रा, टीचर, तथागत यहाँ करोड़ों लोगों का भला करने के लिए आने वाले हैं, यहाँ रहेंगे। जो कीमत आपने मांगी है वो करोड़ों लोगों के भले के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा सुनकर जैत कुमार की आंख खुली की खुली रह जाती हैं। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई व्यक्ति करोड़ों लोगों का भला करने के लिए अपने घर का खजाना ऐसे ही लुटा देगा। वो सुदत्त की, अनाथ पिंडक की जो श्रद्धा भाव है, जो उसकी विश्वास है, उसको देखकर नतमस्तक होता है और कहता है कि ये जमीन का टुकड़ा जो बचा है इसको ढकने की जरूरत नहीं है, इसको आप मेरी तरफ से रख लीजिए। अनाथ पिंडक को सुदत्त इतना बड़े दिल का व्यक्ति है, इतना धम्म में पारंगत है, इतना धम्म को जानने वाला है कि उस छोटे से टुकड़े की खातिर वो उस पूरे बिहार का नाम जैत विहार रखता है, यानी जैतवन रखता है, जैतवन आराम रखता है। तब से उसका नाम जैतवन आराम पड़ता है, यानी जहाँ सारे भिक्खु धम्म साधना में रमते हैं, जब रमते हैं बैठते हैं तो उनकी अवस्था को राम बोलते हैं, और जो पूरे के पूरे विहार आज तो विहार बोलते हैं क्योंकि वहाँ इतने विहार बनाए भगवान बुद्ध ने, तो जगह का नाम ही विहार पड़ गया। वहाँ की खासियत है कि वहाँ के लोगों के नाम के आगे पीछे आपको राम मिलेगा, और बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि जाओ आराम कर लो। आराम का मतलब अभी तो रेस्ट से हो गया है, मगर उस समय आराम का मतलब था कि बिहार में जाके रमना, बिहार में जाके तपस्या साधना करना है। ये है दुनिया की सबसे महंगी जमीन की कहानी।